वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोइनस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, मई मंथ में साउथ की जितनी भी बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई है, उन सभी फिल्मों में से मैंने आप सभी के लिए ऐसी 10 बेहतरीन बड़ी फिल्मों को सिलेक्ट किया है, जो कि आप सभी के लिए मस्ट वॉच मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी एंड ये सभी की सभी मूवीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप इन सभी फिल्मों को यूट्यूब देख सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप आगे चलकर और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी कमाल की एंड मज़ेदार ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो इसलिए मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप सभी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को डेफिनेट लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए एंड अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक दोस्तों, नंबर एक पर मूवी आती है शिवाजी सुरातकल, जो कि 2020 में रिलीज एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में राजेश, अरविंद, राधिका। इस मूवी के लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर क्राइम फिल्में देखना पसंद करते हैं तो खासकर ये मूवी क्राइम थ्रिलर के मामले में वन ऑफ द बेस्ट मूवी है दोस्तों। तो इस फिल्म को डेफिनेटली वॉच करिएगा ज़रूर, अगर आप सभी को सस्पेंस फिल्में देखना पसंद करते हैं तो। अगर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और इस मूवी के अंदर वर्जन का टाइटल का नाम रखा है डिटेक्टिव शिवाजी। तो दोस्तों, ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन किसी भी टाइम ये मूवी डिलीट हो सकती है यूट्यूब से। तो जितना जल्दी हो सके जाकर मूवी को वॉच कर लीजिएगा एंड या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस फिल्म का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नंबर दो पर मूवी आती है वोटर, जो कि 2018 में रिलीज एक एक्शन थ्रिलर क्राइम पॉलिटिकल मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में विष्णु मांचू, सुरभी, प्रवीण। इस मूवी के लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को बेस्ट पॉलिटिकल थ्रिलर क्राइम फिल्में देखना पसंद करते तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी एंड ये मूवी ऑडियंस की तरफ से कुछ एवरेज रेटिंग एंड इसमें को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं मिली थी, लेकिन इसमें को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिली थी एंड इसमें को सेम नाम से ही डब करवाए गए। ये मूवी पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप सभी को एक पॉलिटिकल थ्रिलर बेस्ट फिल्म को वॉच करना चाहते तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। नंबर तीन पर मूवी आती है रामा अर्जुना, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है निखिल सिद्धू एंड अनीस तेजस्वर। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक बेस्ट एक्शन रोमांटिक लव स्टोरी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी। तो आप खुद से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी एंड एक्टिंग कितनी अच्छी हो सकती है। तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा, ये मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियली मिल जाएगी। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। नंबर चार पर मूवी आती है सरवनम इराकू बाई मीन, जो कि 2017 में रिलीज एक कॉमेडी एक्शन रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है उदय अनिधि, रगीना सूरी। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को ओनली कॉमेडी देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा, सिर्फ कॉमेडी के लिए। तो कॉमेडी के लिए मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी। अगर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 2.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी, जो कि काफ़ी एवरेज रेटिंग मानी जाती है। एंड ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है, लेकिन किसी भी टाइम डिलीट हो सकता है या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस फिल्म का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा या फिर यूट्यूब का लिंक होगा तो दे दिया जाएगा।
नंबर चार दोस्तों, नंबर चार पर मूवी आती है फॉरेंसिक, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में नविता थॉमस, महात्मा रेविका। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को साउथ के एक साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर सस्पेंस फिल्म में देखना पसंद करते हैं तो फिल्म को डेफिनेटली वॉच करिएगा। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो फिल्म को वॉच करिएगा डेफिनेटली ज़रूर। अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्ड मिली थी। एंड इसमें को सेम नाम से ही डब करवाया गया। ये मूवी पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, या फिर आप इस फिल्म को वॉच कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर छः पर मूवी आती है तेलानी रामाकृष्ण BABL, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में संदीप किशन, वाड़ा लक्ष्मी, हंसिका मोटवानी। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक कॉमेडी एक्शन फिल्म में देखना पसंद करते तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्शन कॉमेडी के लिए। तो एक्शन कॉमेडी के लिए मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो फिल्म को देखिएगा ज़रूर। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि एवरेज की रेटिंग मानी जाती है। तो ये मूवी पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन किसी भी टाइम ये मूवी डिलीट हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके जाकर इस फिल्म को वॉच कर लीजिएगा। तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। नंबर सात पर मूवी आती है 100, जो कि 2019 में रिलीज एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में अथर्व, हंसिका मोटवानी, योगी बाबू। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते तो फिल्म को देखिएगा ज़रूर। मूवी काफ़ी अच्छी है, तो एक बार देखिएगा ज़रूर, या फिर देख लिया है तो आप, जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर, या फिर इस फिल्म को वॉच कर सकते हैं जाकर अमेजन प्राइम वीडियोज पर। नंबर आठ पर मूवी आती है द कुंफू मास्टर, जो कि 2020 में रिलीज एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में जीजी स्कारलियल, स्पून, दिनेश, नितिला। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक्शन मार्शल आर्ट्स ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। काफ़ी मूवी अमेजिंग है, तो मूवी को डेफिनेटली वॉच करिएगा ज़रूर एक बार के लिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये मूवी पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। नंबर नौ पर मूवी आती है अयोग्या, जो कि 2018 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा कॉमेडी रोमांस मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में है सतीश, रचिता राम, फिर रविशंकर। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को कॉमेडी फैमिली इंटरटेनर रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को डेफिनेटली वॉच करिएगा। इस फिल्म के अंदर आप लोगों को कॉमेडी ड्रामा फैमिली इंटरटेनर सब कुछ देखने को मिलेगी, तो मूवी को एक बार देख ही सकते हैं। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एंड ये मूवी पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। नंबर दस पर मूवी आती है राजदूत, जो कि 2019 में रिलीज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है मेगा मस, नक्षत्रा बाबू। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक एक्शन लव स्टोरी रोमांटिक फिल्म या फिर इस जॉनर की फिल्में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा। इस फिल्म के अंदर आप लोगों को एक अच्छी एक्शन, अच्छी रोमांस देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्ड मिली थी। अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों बात करें इस मूवी की हिंदी डब वर्जन टाइटल की, तो इस मूवी की हिंदी डब वर्जन का टाइटल का नाम रखा है
राजा की राजदूत। तो ये यूट्यूब पर अभी ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इस फिल्म को एमएक्स प्लेयर पर जाकर वॉच कर सकते हैं फ्री में। सो दोस्तों, आज की हमारा वीडियो यही तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।